हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान श्रवण कुमार सोनी जी को। इन्होंने इंस्टाग्राम पे डीएम करके एचडीएफसी लाइफ के संचय पर एडवांटेज प्लान को जानने की इच्छा जाहिर की है, इसके लिए इनका धन्यवाद। आप सब भी हमसे लगातार प्रश्न करते रहे, जो भी माध्यम आपको सही लगे। और सोनी जी, आपका धन्यवाद कि आपने ये हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछा। इसी बात पे आप सब लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो आते रहें। अब हम बिना समय गवाए एचडीएफसी लाइफ के संचय पर एडवांटेज प्लान को समझते हैं। ये प्लान नॉन लिंक्ड है, पार्टिसिपेटिंग है और लाइफ लॉन्ग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड का मतलब आप जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी उसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे बोनस अनाउंस करेगी, जिसके बेस पे आपको रिटर्न मिलता है। लॉन्ग लाइफ का मतलब है कि जब तक आपकी उम्र 100 साल की होगी तब तक आप इस प्लान में बने रह सकते हैं। और देखिए, ये प्लान में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन में से आप एक ही ऑप्शन ले पाएंगे। पहली बात तो पहला ऑप्शन है इमीडिएट इनकम। इमीडिएट इनकम में क्या होगा कि आपको रेगुलर इनकम मिलना शुरू होगी कैश बोनस के रूप में और एंड में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा लमसम। रेगुलर इनकम का मतलब है कि आपको कैश बोनस मिलेगा आपका पहला साल पॉलिसी का जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद आपके एंटायर पॉलिसी टर्म आपको ये कैश बोनस मिलता रहेगा, या कहें कि जब आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें या डेथ हो जाए तब ऐसे में उसके एंड तक ही मिलेगा। डेफर्ड ऑप्शन में क्या होगा जी, आपके पॉलिसी के 25 साल, ठीक है, या कहें कि जो इनकम पीरियड होगा वो केवल 25 साल का होगा, या फिर जो पॉलिसी टर्म है उसमें मान लीजिए 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो उसमें एक साल और ऐड कर देंगे और उसको घटा देंगे पॉलिसी टर्म में से, तो आपका इनकम पीरियड निकल के आ जाएगा। और पॉलिसी टर्म के एंड में आपको इसमें भी लमसम बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट, ठीक है जी। आइए अब जान लेते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एंट्री एज लिमिट की। अगर आपने इमीडिएट इनकम वाला ऑप्शन लिया होगा तो 30 दिन के बच्चे के लिए भी आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर अधिकतम किसी की उम्र 65 साल की है तो भी वह ऑप्शन ले सकते हैं। अगर कोई डेफर्ड ऑप्शन ले रहा है तो 30 दिन से लेकर 60 साल तक अधिकतम उम्र सीमा है, 60 साल तक वहां तक ये प्लान लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है 100 में से आपको घटाना होगा एंट्री एज लिमिट को, या एक फिक्स टर्म है 25 साल या 40 साल, मतलब 25 से 40 साल के बीच में आप चूज कर सकते हैं। मिनिमम सम अशॉर्ट का लिमिट है 3 लाख रुपए, अधिकतम सम अशॉर्ट का कोई यहां पे लिमिट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म के। अगर आपने इमीडिएट इनकम ऑप्शन को चूज किया होगा तो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल और 12 साल। लेकिन अगर आप डेफर्ड इनकम का ऑप्शन चूज करते हैं तो 7, 8, 9, 10 और 12 साल तक का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात आती है मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की और मोड ऑफ प्रीमियम की। मान लीजिए अगर आप सालाना ऑप्शन चूज करते हैं, सालाना प्रीमियम पे करना, तो कम से कम 25,000 रुपये आपको पे करने होंगे तब आप ये प्लान ले सकते हैं। छमाही 12,750 रुपये, तिमाही 6,500 रुपये और मासिक 2,188 रुपये आपको कम से कम पे करने होंगे मासिक, तभी आप ये प्लान ले पाएंगे। और अगर आप मासिक ऑप्शन लेंगे तो ये आपके अकाउंट में से ऑटो डेबिट होगा, तब आप मासिक ऑप्शन ले सकते हैं। अब बात आती है इस प्लान के अंदर कि अगर किसी माइनर के नाम से आपने पॉलिसी ली है तो ऐसे में जब पॉलिसी ईयर का पहला साल कंप्लीट हो जाएगा तब माइनर का रिस्क कवर शुरू होगा। और माइनर जैसे ही 18 साल का मतलब अडल्ट हो जाएगा तो इस केस में पूरा होल्ड जो होगा पॉलिसी का वो उसके हाथ में आ जाएगा। अब इसी के साथ में एक चीज़ और आपको समझनी है यहाँ पे कि माइनर के लिए पॉलिसी लेंगे और आपको अगर कैश बोनस यहाँ पे मिलता है, मतलब रेगुलर इनकम अगर आपको मिलती है, तो वो आपको डिफाइन करनी होती है कंपनी को कि आपने माइनर के वेलफेयर के लिए ही उसको यूटिलाइज किया है। अब आप इनकम ऑप्शन को या बोल लीजिए इनकम बेनिफिट को आप सर्वाइवल या मनी बैक बेनिफिट भी कह सकते हैं। अगर आपने डेफर्ड इनकम ऑप्शन को चूज किया तो यहाँ पे आपको गारंटेड इनकम रेट मिलेगा, मतलब गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा, और ये आपको जो आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 1% ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पे 26 से 35 साल की उम्र है, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो 22% मिलेगा बेसिक प्रीमियम का, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 28%, और मान लीजिए 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 50% तक मिलेगा एनुअलाइज्ड प्रीमियम का, ठीक है जी, थ्रू आउट द गारंटेड इनकम पीरियड। अगर इमीडिएट इनकम ऑप्शन आपने लिया होगा तो कैश बोनस रेस जो कि कंपनी अनाउंस करेगी, राइट, उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बेसिक प्रीमियम में, जिसे हम एनुअलाइज्ड प्रीमियम कहते हैं, उसका प्रतिशत आपको मिल जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अक्योर्ड गारंटेड इनकम या कैश बोनस अगर पे नहीं किया गया होगा तो, इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट अगर होगा तो, कंपनी बताएगी अनाउंस करेगी तो, या टर्मिनल बोनस अगर कंपनी अनाउंस करेगी तो, क्योंकि इफ एनी का मतलब है कि श्योर नहीं है।
सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब होता है कि टोटल जितना भी बेसिक प्रीमियम हमने पे किया है अंडर द प्रीमियम पेमेंट टर्म, वो हमें मैच्योरिटी पे वापस मिल जाएगा, जिसे आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी कहते हैं। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम अशोर्ड ऑन डेथ आपको मिलेगा, अक्योर्ड कैश बोनस या गारंटेड इनकम अगर पे नहीं किया गया है तो, इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट अगर अनाउंस होता है कंपनी की तरफ से तो, टर्मिनल बोनस अगर डिक्लेयर होता है तो। अब सम अशोर्ड ऑन डेथ का क्या मतलब है, 10 का गुणा कर लीजिए अपने सालाना बेसिक प्रीमियम में या तो ये, या फिर जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट टर्म वो, या फिर डेथ मल्टीप्लायर का मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक एनुअलाइज प्रीमियम से, इनमें से जो भी आई होगा वही होगा सम अशोर्ड ऑन डेथ। अब यहाँ पे हम डेथ मल्टीप्लायर को भी समझ लेते हैं। फुल स्क्रीन पे आपने यहाँ पे अगर वीडियो किया हुआ है तो आप देखेंगे अगर 35 साल की उम्र है तो डेथ मल्टीप्लाई निकल के आ रहा है 12। अब एनुअलाइज प्रीमियम में 12 का गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा यहाँ पे सम अशोर्ड निकल के आ जाएगा मल्टीप्लाई के अनुसार। अब इस प्लान में एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहें कि जो आपको कैश बोनस मिल रहा है आप उसको लगातार नहीं लेना चाहते, जिसे आप मनी बैग भी कह सकते हैं, अगर आप उसको कंपनी को वापस दे देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, मंथली बेस पे एक्युमुलेट होगा, जिस पे आपको रिवर्स रेपो रेट मिलेगा, और रिवर्स रेपो रेट के ऊपर ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। लोन भी ले सकते हैं सरेंडर वैल्यू का 80% तक, फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का है और रिवाइवल पीरियड आपको मिलता है इसमें 5 साल का। ग्रेस पीरियड की बात करें मंथली मोड पे आपको मिल जाता है 15 दिन का ग्रेस पीरियड, और अदर मोड पे जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली पे और ईयरली पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब हम उदाहरण के तौर पे चीजें समझते हैं। मान लीजिए किसी ने इमीडिएट इनकम ऑप्शन यहाँ पे लिया है तो जो कैश बोनस का जो रेट है वो अप्लाई होगा एनुअलाइज्ड प्रीमियम पे, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे उम्र ले लिया 26 से 35 साल के बीच में हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख रहे हैं 6, 8, 10, 12, ये है प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी की उम्र 35 साल की है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो यहाँ पे 35 क्या है, ये 35% है जो कि एनुअलाइज प्रीमियम पे अप्लाई होगा। अब हमने यहाँ पे मान लिया है कि 35 साल की हमने एज ले ली है और इमीडिएट इनकम ऑप्शन लिया है, 10 साल का हमने ले लिया यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो इसके साथ हमारा कैश बोनस रेट है 35% तक का, और यहाँ पे जो लाइफ कवर हमारा निकल के आया है 35 साल की उम्र में 12 का था, 12 का गुणा कर देते हैं हम 1,00,000 में, मान लेते हैं हम सालाना 1,00,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 12,00,000 रुपए हमारे यहाँ पे सम अशोर्ड हो जाता है। अब 1,00,000 रुपए हम यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं तो एडिशनल कैश बोनस भी हमें यहाँ पे मिलता है, तो 1,00,000 के प्रीमियम पे हमें एडिशनल कैश बोनस कितना मिल रहा है, 1%, मतलब 1% हमें मिल रहा है किसका, एनुअलाइज्ड प्रीमियम का। तो हमें 35% तो नॉर्मल कैश बोनस रेट हो गया हमारा, और एडिशनल हमारा हो गया यहाँ पे 1%, मतलब 1%, तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाता 36%। सालाना हम प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 1,00,000 रुपए का। पॉलिसी टर्म हमें क्या करना है, 100 में से घटा देना है एंट्री एज को, तो 65 साल का हमारा यहाँ पे आ गया हमारा पॉलिसी टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जी, हम यहाँ पे निकाल लेंगे 1,00,000 का 36% हम निकालेंगे और उसमें हम गुणा कर देंगे यहाँ पे 65 की, क्योंकि हमें थ्रू आउट द ये पॉलिसी टर्म मिलने वाला है, हम ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि पहले साल के एंड में अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है मैच्योरिटी के एंड में भी हमें ये मिलेगा ही। मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो 36% हमने निकाला 1,00,000 का, तो हो गया 36,065 का गुणा कर दिया तो 23,40,000 रुपये ये हमें मिल गए टोटल कैश बोनस या टोटल इनकम बेनिफिट। अब बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो देखिए सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी तो हमें पता है कि टोटल जो हमने प्रीमियम पे किया था 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 10,00,000 रुपए हमें मिल जाएंगे। अक्योर्ड गारंटेड इनकम बेनिफिट या कैश बोनस वो है ही नहीं, क्योंकि हम कैश बोनस हम लगातार यहाँ पे लेते रहे हैं। अब इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट और ये जो टर्मिनल बोनस है जिसके आगे लिखा है इफ एनी, इसके बारे में हमने सर्च करा, हमने इनकी वेबसाइट पे भी देखा जिसका स्क्रीनशॉट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। तो हमें जो इंटरिम सर्वाइवल बेनिफिट का जो रेशो है वो हमें नहीं पता चला, टर्मिनल बोनस का भी हमें नहीं पता चला, ठीक है जी। तो इंटरिम बोनस का जो रेट होता है वो हमें पता था, नहीं पता था, कैश बोनस का हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली और आपको स्क्रीन पे दिखाया भी स्क्रीनशॉट के साथ में। टर्मिनल बोनस रेट लिखा जरूर है लेकिन ये जो आपका संचय पर एडवांटेज प्लान है इसके संबंधित नहीं है, और सिंपल रिवर्सनरी बोनस तो कोई तुकीरी बनता है इस प्लान में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो आप ईमेल कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में आपको ईमेल मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम और आपको प्रॉपर कैलकुलेशन दिखा देंगे। अब बात आती है डेफर्ड इनकम ऑप्शन की, तो हमको पता ही है कि डेफर्ड इनकम में हमें गारंटेड रेट मिलता ही है। हम यहाँ पे मान लेते हैं 30 साल की उम्र, 26 से 35 के बीच वाला टेबल है, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं तो 28% हो गया, 28% हो गया हमारे बेसिक प्रीमियम का। प्रीमियम हम यहाँ पे कर रहे हैं 1,00,000 रुपए, 30 साल की उम्र है, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है।
₹1,00,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हाई प्रीमियम यहाँ पे हमें एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा जो है 0.4% हमारे एनुअलाइज्ड प्रीमियम का। गारंटीड रिटर्न हमारा कितना हुआ जी 28%, राइट। पॉलिसी टर्म हमारा 70 साल का हो गया और टोटल हमारा कितना हो गया 28.4% हो गया। कैसे हो गया जी 28 तो यही है गारंटी डेट और जो यहाँ पे जो एडिशनल बेनिफिट है वो है 0.4, तो 28.4 हो गया प्रतिशत जो कि हमें गारंटेड यहाँ पे अब मनी बैक देखने के लिए मिलेगा। टोटल हमारा पीरियड हो गया यहाँ पे 25 साल का, ठीक है जी। क्या हो गया गारंटेड इनकम पीरियड हमारा है टोटल 25 साल का, तो 28.4% हमने निकाला 1,00,000 का, उसमें हमने गुणा कर दिया 25 का, तो 28,400 में गुणा किया हमने 25 का, तो 7,10,000 रुपये हमारा यहाँ पे टोटल गारंटेड इनकम बेनिफिट निकल के आ गया। अब बात आती है कैश बोनस रेट की। अब देखिए इससे संबंधित जो कैश बोनस रेट है वो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है क्योंकि कंफर्म नहीं हो पाया है कि इस केस में कितना होगा। हमने ये मान लिया कि 4% है और जो कैश बोनस रेट है वो भी जब आपका पीपीटी प्लस 1 ईयर जब माइनस कर लिया जाएगा पॉलिसी टर्म में से, उसके बाद ये थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म हमें पे होगा, मतलब कि हमें 61 साल तक ये मिलता रहेगा। तो 1,00,000 का हमने निकाला 4% और उसमें हमने गुणा कर दिया 61 का, तो 2,44,000 रुपये ये हमें मिल गए। अब बात कर लेते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट की। तो देखिए हमें पता है सम अशॉर्ड ऑन मेच्योरिटी की जितना हमने प्रीमियम पे किया था 8,00,000 रुपये, क्योंकि 8 साल का पीपीटी है तो वो हमें वापस मिल जाएगा। बाकी और चीज़ की हमें एज सच कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, कैश बोनस भी आपको बताया जा चुका है, राइट। तो सारे लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक